नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। और दोस्तों, डिजिटल एंटरटेनमेंट में ये साल पुलिस का ही रहा है। हाल ही में हमने पाताल लोक वेब सीरीज देखी, जिसमें हथीराम के कारनामों को देख आपको बहुत मजा आया होगा। और वही मजा दोस्तों अब Zee5 की नई वेब सीरीज लाल बाजार में देखने को मिल रहा है, जिसकी गारंटी खुद अजय देवगन ने ली है। जैसा कि दोस्तों अजय देवगन ने अपने टीजर लॉन्चिंग के समय कहा था, पुलिस की वर्दी पहनने वाले लोगों ने जिस तरह इस संकट के समय में पूरे समाज की सेवा की है, वैसा ही भाव इस वेब सीरीज में देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों वेब सीरीज की बात कर लें तो दोस्तों ये वेब सीरीज कोलकाता में बेस्ड है। तो दोस्तों ये वेब सीरीज एक्चुअल में पुलिस पर बेस्ड है और वो कलकत्ता में हो रहे क्राइम से कैसे निपटती है, ये इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। वही दोस्तों वेब सीरीज काफी एंगेजिंग लगती है, प्रॉमिसिंग लगती है। साथ ही में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इसे डायरेक्ट किया है सायंतन घोषाल ने। और दोस्तों इस वेब सीरीज को टोटल 10 एपिसोड्स में बनाया गया है। वही दोस्तों वेब सीरीज की स्टोरी की बात करें तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत कई क्राइम से होती है, जैसे कि एक सेक्स वर्कर होती है, उसका मर्डर हो जाता है लेकिन उसे सुसाइड बताया जाता है। और वहीं दूसरी ओर एक लेडी के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। अब दोस्तों पुलिस को इन सभी क्राइम्स का पता लगाना है और ये किसने किया है इसका भी पता लगाना है। अब दोस्तों पुलिस क्या क्या करती है इन अपराधियों को पकड़ने के लिए और गैंगस्टरों से कैसे लड़ती है, ये तो दोस्तों आपको वेब सीरीज देखने पर ही पता चलेगा, जो कि Zee5 पर रिलीज हो चुकी है। दोस्तों वेब सीरीज एक्शन थ्रिलर जोनर की वेब सीरीज है, जिसमें जमकर मसाला परोसा गया है। तो दोस्तों ये वेब सीरीज किसी एक अकेले पुलिस वाले की नहीं है, बल्कि पूरे पुलिस हेडक्वार्टर की है, जिसे लोग लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। वही दोस्तों इसमें एक्टर्स ने काफी अच्छी एक्टिंग की है, सब अपने अपने रोल में शानदार लग रहे हैं। वही दोस्तों इसमें कौशिक सेन ने भी अच्छा काम किया है और आप मान के चलिए कि लीड इन्हीं के हाथ में रहती है। हालांकि कई पुलिस वालों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आखिर कहानी किधर जा रही है। पहले एपिसोड से क्राइम की कहानी धीरे धीरे खुलती है और आपको धीरे धीरे सारे राज पता चलते जाते हैं। वही दोस्तों इस वेब सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, यौन शोषण पर जो स्टोरी में बताया गया है वो दोस्तों काबिले तारीफ है। समाज में ऐसे हो रहे कई सारे क्राइम्स को ये वेब सीरीज दर्शाती है। और दोस्तों इसमें पुलिस वालों की स्टोरी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो भी काफी काबिले तारीफ है। तो दोस्तों आपको ये वेब सीरीज में कई ऐसे राज भी देखने को मिलेंगे, जिसे आप पूरा देखे बगैर नहीं उठ पाएंगे। दोस्तों इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इसमें बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा सा कमजोर लगता है और बीच के एपिसोड्स में थोड़ी सी आपको लेंथी सी लगती है। हालांकि एक बार आप देखना शुरू करेंगे तो आप इसे पूरा कंप्लीट करें बगैर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि इसमें एक के बाद एक सस्पेंस खुलते ही जाते हैं और नए नए क्राइम उजागर होते रहते हैं। तो दोस्तों इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो दोस्तों इसका स्क्रीन प्ले हालांकि अच्छा है, लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। वही दोस्तों इसके डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों इसका डायरेक्शन वाकई अच्छा है। जिस तरीके से सभी पुलिस वालों की स्टोरी को प्रेजेंट किया है वो दोस्तों काबिले तारीफ है। तो दोस्तों अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो दोस्तों मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। और आपकी क्या राय है इस वेब सीरीज के बारे में मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।